वहीं आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगर विकास न्यास के साथ व्यावसायिक एवं आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की। बता दें कि इस योजना के तहत 2188 आवासीय व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि विकसित क्षेत्र में न्यास द्वारा तैयार की गई योजनाओं का शहरवासियों को लाभ मिलेगा। इन 7 योजनाओं में जितने भी पहले से भूखंड विकसित हैं उनको जो है वो आज 2188 करीब जो भूखंड विकसित हैं उनको जो है जनता को सौंपने के लिए ये योजना शुरू की गई है। मैं आशा करता हूँ कि इन विकसित योजनाओं में जो भी आवंटी होगा वो तुरंत जाकर के अपना निर्माण कार्य कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका आरक्षित दर है, नीलामी की जो दर होती है या आरक्षित जो दर होती है उससे भी जो है कम रियायती दर पर जो है इसमें भूखंड आवंटन का जो है।